हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को मेरी तरफ से। करवा चौथ की ढेर सारी बधाई। और काम मेरा सारा हो चुका है। टाइम हो रहा है अभी 2:30 बज रहे हैं, 2 या 2:30 का टाइम हो रहा होगा, मुझे पक्का नहीं पता है। और अभी मैं पहन रही हूँ अपने बिछुए वगैरह जो नए डालते हैं, और बीच इसमें ब्लाउज सिल के आया है मेरा ये। इसमें मैंने भी लटकन लगाए हैं, लटकन मैं बाद में लेके आई थी बाज़ार से, तो ये तो खुद ही लगा लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है, सुई से टाक में होते हैं बस। तो यही मैं सारे अपने काम रेडी कर रही थी, और बस अभी मैं तैयार होने लग जाऊँगी। 3-3:30 बजे तक कहानी सुन लेंगे। मौसम साफ है, अच्छा हो रहा है, मौसम बढ़िया है। ये देखिए मैचिंग के मैंने लटकन इसमें लगा दिए हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है मेरा ब्लाउज़। और मैंने सुबह ही मैं लेके आ गई थी, ट्राई करके देखना होता है कि सही है या नहीं है, इसीलिए मैंने सुन के देखा था कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम सिलवाती हूँ ब्लाउज़, मैं साड़ी कम पहनती हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे भी नहीं इतना परफेक्ट पता होता। और ये मंगलसूत्र में चैन डाली, मैंने चैन लेके आई थी। ये सारे छोटे छोटे काम हैं जो पहले ही कर लेते हैं तैयार होने से पहले ही। तो ये देखिए मंगलसूत्र में मैंने ये चैन भी लगाई है। पहले वाली चैन जो ख़राब हो गई थी, तो मैं ये को नई लेके आई हूँ। और बस अभी मैं तैयार होंगी, ये सारे काम मेरे रेडी हो चुके हैं, तो मिलती हूँ आपसे अभी तैयार होने के बाद। नेल पेंट भी मैंने लगा लिए हैं, और ये मैं सिंगार का जो सामान लेके आई थी अभी एक पैकेट में रखा था, तो ये मैं एक तो पूछने के लिए लेके आई थी, और एक जोड़ी मैं अपने लिए लेके आई थी, तो मैं अपना निकाल रही हूँ, और जो पूजने का वो अलग रख दूँगी निकाल के लिफाफे में। तो इसमें से ही मैं अपना सामान निकाल रही थी और देख रही थी कि कैसे है। तो चलिए अभी आपसे मिलते हैं तैयार होने के बाद। बस तैयार हो रहे हैं, अभी फ़ोन आ गया है लेडीजों का, बोल रहे हैं जल्दी सुन लें। और एक लेडीज है जो उसमें फ्रेंड है मेरी जिसने मेहंदी लगाई थी, वो प्रेगनेंट है, तो उनकी वजह से और भी जल्दी सुनेंगे अब की बार, नहीं तो 4:30-5 बज जाते हैं, इसलिए अब की बार हम जल्दी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं तैयार होने के बाद। और तैयार मैं हो चुकी हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताने कैसा लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे कहानी सुनने के लिए, और जो कलर्स वगैरह भर के रखते हैं वो भी मैंने भरवा दिया वंशिका से। कहानी वंशिका सुनाएगी, क्योंकि करवा चौथ की कहानी लड़कियां सुनाती हैं, तो जो पहले थी इनकी लड़की जो वंशिका के बराबर में बैठी थी वो सुनाती थी, अब के बार उनकी शादी हो गई है, तो अब वंशिका सुनाती है 2 साल से। तो बस अभी सब अपने अपने लोटे तैयार कर रहे हैं, जो वो बनाते हैं सतिया वगैरह बनाते हैं और धागा बांधते हैं वही। और कहानी वंशिका ने शुरू कर दी है अपनी, तो कहानी भी सुनते रहते हैं साथ के साथ, और अपने जो ये पूजा के काम होते हैं ये भी कर लेते हैं। और कहानी हमारी हो चुकी है, अभी चल चढ़ा रहे हैं बाहर गली में। हमारे घर पे ही आती हैं सारी लेडीजें पड़ोस की, जो क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं होता है, सबके घरों में होता है कोई ना कोई, लेकिन हमारे घर पर जेंट्स लोग नहीं होते हैं, काम पर जाए होते हैं, तो हम सारे यहीं पे सुन लेते हैं नीचे। और अभी हम सूरज को देख रहे हैं कि किधर से दिखेगा, अभी जल चढ़ाएंगे और बस सब एक दूसरे से आशीर्वाद लेके अपने अपने घर चले जाएंगे सभी। कहानी सुन ली है और अभी आ गए हैं ऊपर, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि मैं 3:30 बजे उतर गई थी नीचे तैयार होके, लेकिन फिर भी लेडीज़ों ने अपना वही टाइम कर दिया था, 4 बजे तक तैयार होके आई थी, एक एक करके सब आ रही थी, बहुत तो पहले ही सब ने बोल दिया था। बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई है, अभी थोड़ी सी देर के लिए आराम करेंगे हम दोनों बहनें, और फिर उसके बाद मैं खाना पीने में लग जाएंगी, क्योंकि 4:30-5 का टाइम हो रहा है, अभी बहुत शाम भी हो गई है पूरी। अब इसके बाद बस खाने बनाने की तैयारी करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं।
और 6 बज रहे हैं अभी। बस मैंने खाने बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैं बनाऊंगी खाने में पनीर, तो पनीर अभी मंगवाया बच्चों से, और मैंने ये वॉश कर लिया है क्योंकि ऐसे ही हाथ से उठा के देते हैं इनको, तो पहले वॉश कर लिया है। और अभी मैं काटूंगी, और चॉप वगैरह मैंने सारा तैयार कर लिया है, टमाटर वगैरह सब पीस लिए हैं अपने। और बस सबसे पहले मैं सब्जी बनाऊँगी, और मीठे में मैंने बाहर से मीठा मंगवाया है, हलवा भी कोई नहीं खाता है, और खीर भी मुझसे सही से नहीं बन पाती है। तो बस अभी मैं सब्जी पूड़ी और रायता बनाऊंगी। बूंदी ये मैंने भिगो के रख दी है, और मटर भी मैंने भिगो के रख दिए हैं क्योंकि इनमें बर्फ सी रहती है जमी हुई, तो ये मैंने भिगो दी है। उबाली नहीं है मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, एक भाप में ये बन जाती है, इसलिए मैं इनको थोड़ी देर पानी में भिगो के, जब टमाटर का वो हमारी प्योरी तैयार हो जाएगी तो इसी में हम थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक उसी में इसको पका देंगे। बस इतना ही बहुत होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये मटर। तो अभी मैं काट लूँगी पनीर, और छोंक मेरा तैयार हो रहा है, तेल गर्म हो गया है, मैंने कुकर में रख दिया है। तो चलिए बनाते हैं खाना मिलके आपके साथ। और मटर पनीर की रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपकी बार नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार दिखा रखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से एक बार बना दूँगी स्पेशल मटर पनीर की रेसिपी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं खाना बनाऊँगी। और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं खाना, फिर रेस्ट करेंगे, चांद और चांद का इंतज़ार करेंगे। फिर तो जी सब्जी और रायता मेरा बन चुका है, अभी मैं सेक लूँगी पूड़ी। और टाइम लग गया था खाना बनाने में, टाइम तो लगता ही है 1 से 1.5 घंटा, और तब तक चांद भी निकल गया था। अब की बार बहुत ही जल्दी चांद निकला है, जब तक खाना बना, और 8:30 बजे अब की बार चांद निकल गया। पिछली बार चांद ने बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया था, अब की बार नहीं, और कुछ भी पता भी नहीं चला, अब की बार फास्ट कहीं हुई निकल गया। अब की बार सॉरी, पिछली बार हमने 11 बजे चांद देखा था, क्योंकि मौसम ख़राब था और चांद नहीं दिखा था। और जब तक चांद नहीं देख लेते हैं, दिल सा नहीं मानता है खाना खाने के लिए। तो पिछली बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, और तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी। अब की बार तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, और साड़ी मैंने चेंज नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं बदल लेती, सूट पहन लेती, तो फिर नहीं मेरे से पहनी जाती। और ये देखिए हमारा खाना तैयार हो चुका है, थाली लग चुकी है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। ये वाली थाली मैं सबसे पहले पूजा के लिए रखूँगी, क्योंकि जो पूज के देते हैं बयान ना बोलते हैं जिसको, ये वो है, तो वो मैं निकालूँगी सबसे पहले, उसके बाद फिर अभी सबके लिए खाना बना लूँगी, फिर पूजा करूँगी। ये दो पूड़ी हैं गाय की, ये अलग से मैंने निकाल दी थी, जो सबसे पहली पूड़ी होती है वो गाय की निकलती है, तो उसके बाद फिर मैंने पूजने का खाना निकाला था। और बस मेरा खाना बनके तैयार हो चुका है। खाना बनाने के बाद अभी फिर बार बार खाना नहीं बनता है, मैं पूड़ी सबके लिए सेक लूँगी एक साथ, और उसके बाद सब साथ में खा लेंगे। अभी मेरा खाना बन चुका है, और अभी वंशिका से मैं फिर से कहानी सुनती हूँ, शाम के टाइम फिर से एक बार कहानी सुनते हैं, जो कि लंबे पे लिखी होती है, और पूजा करके जल चढ़ाया जाता है। यही होता है पूरे व्रत की विधि, जितना मुझे पता है उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, इतना ही मुझे पता है। और इसके बाद जो फिर ये खाना है, जो जिसको देना होता है उसको दे देते हैं, मैं अपनी बहन को देती हूँ तो मैं उनको दे दूँगी, और जल चढ़ा के खाना खा लेंगे। तो बस वंशिका अभी मुझे कहानी सुना रही है।
और अभी बस मेरी कहानी पूरी हो गई है, अभी मैं जल चढ़ा के आऊँगी। चाँद निकल चुके हैं 8:30 बजे ही, लेकिन फिर भी मेरा फोन 9 बजे तक हुआ था कहानी सुन के, और मैंने 9 बजे जल चढ़ाया है। तो बस अभी जल चढ़ा के फिर खाना खाएंगे। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलती हूँ नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।